hello friends welcome to learn maths please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video update let's do question number 13th of exercise 20 that is mensuration question number uh, 13 is the area of square field is area of square field इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू हेक्टेयर फाइंड देंथ ऑफ द डायंग्रेंड वन हेक्टेयर में टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर होते हैं राइट फ्रेंड तो एरिया कितना आ गया हमारे पास वन अपॉइन्ट टू ऑफ टेन थाउजेंड दैट मीन्स टू वन जे टू टू फाइव जे टेन 5000 मीटर स्क्वायर 5000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है तो एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड और हमें निकालनी है इसमें डायगनल. तो एरिया कितना है 5000 साइड स्क्वायर को साइड स्क्वायर लिख देंगे तो साइड कितनी आ गई है हम पे साइड इक्वल्स टू हो जाएगी अंडर रूट फाइव थाउजेंड तो ये आ गया फाइव थाउजेंड फाइव वन जो फाइव और ये हो गया फाइव टू जो टेन टू हंड्रेड टेन टेन एंड टेन वन राइट ये फाइव बाहर आ गया टेन बाहर आ गया तो फाइव टेनजा फिफ्टी फिफ्टी अंडर रूट टू मीटर राइट फ्रेंड्स अब नाउ डायगनल का फॉर्मूला होता है रूट टू ए इज द साइड तो रूट टू इंटू फिफ्टी रूट टू तो ये क्या हो गया फिफ्टी इंटू रूट टू इंटू रूट टू इज टू दैट मीन्स हंड्रेड मीटर इज द डाइंगल

ये बताना है कि चार बार अगर हम इस वायर को लपेटा बाउंड्री पे तो कितना आ, कितना वायर लगेगा ये बताना है तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड साइड हमें पता करनी पड़ेगी तो क्यों साइड पता करनी पड़ेगी जब भी हमें बाउंड्री से रिलेटेड कुछ देखना होता है दैट मींस एट द टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर तो पेरीमीटर के लिए फोर एस तो साइड चाहिएगी तो एरिया क्या होता है सिक्स जीरो एट फोर इक्वल टू साइड स्क्वायर तो साइड निकालने के लिए क्या हो गया है अंडर रूट सिक्स जीरो एट फोर तो सिक्स जीरो एट फोर का स्क्वायर रूट निकालेंगे टू थ्री जो सिक्स जीरो फोर टू टू वन जे टू टू फाइव जे टेन टू टू जो फोर टू वन टू थ्री फाइव ज फिफ्टीन जीरो सेवन अगेन थ्री वन and फोर फाइव ट्वेंटी थ्री सिक्स थर्टीन बाहर आ गया थ्री बाहर आ गया और ये टू बाहर आ गया थर्टीन सिक्स सेवेंटी एट मीटर नाउ अब हमें पेरीमीटर निकालना होगा बाउंड्री के लिए पेरीमीटर हो गया या इस डॉट से वापस इस डॉट तक लेकिन वो कह रहा है कि वायर विच कैन गो फोर टाइम्स चार बार अगर वायर को लपेटा गया तो कितना लेंथ लगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है फोर इंटू एस तो फोर इंटू साइड हुई सेवेंटी एट और इंटू फोर क्योंकि चार बार लपेटा तो कितना आंसर आया सेवेंटी एट इंटू सिक्स एट 48 6 7 so 42 46 8 and 7 8 14 and 12 that means 1 2 4 8 meter is the answer thank you if you understand the step-by-step -step solution of this video please subscribe my channel on maths and share it with your friends thank you